हमने शुरू किया था किसानों का कर्जा माफ करने, पहली दफा इतिहास में केवल डिफॉल्टर किसान का नहीं पर चालू खाते वाले किसानों का भी कर्जा माफ करें। और शिवराज सिंह चिल्लाते रहे कर्जा माफ नहीं हुआ। अभी 3 हफ्ते पहले विधानसभा में खुद स्वीकार करना पड़ा कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। किसानों के साथ न्याय हुए। पिछले साल भी ग्वालियर चंबल के किसानों ने अपनी फसल बेची थी, सब्जी की फसल हो जो भी फसल हो बेची थी, किस भाव पर बेची थी और आज क्या भाव। 7 महीनों में इन्होंने कहां घसीटा हमारे कृषि क्षेत्र को। मैं गया था एक कार्यक्रम में, किसान चिल्ला रहे थे बैठे हुए कि हमें 6 महीने से हमें पैसे नहीं मिले, हमने अपना गेहूं बेचा है। आपने भी पढ़ा, किसान चिल्ला रहे हैं। ये बीमा की बात करेंगे, कलाकारी करेंगे, झूठ बोलेंगे। मैंने सोचा था 15 साल बाद जब शिवराज सिंह जी कुछ दिन आराम करेंगे तो झूठ बोलने में कुछ सुधार आएगा, पर अब तो और झूठ बोलने आ गए। और जब मैं कहता हूं ये झूठ बोलते हैं, ये चुनाव आयोग के पास जाते हैं, तब मैं क्या कहूं शिवराज जी, जनता कह रही है। कौन झूठ बोलता है, ये जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा। और एक्टिंग कभी आप मंच पर आपने देखा होगा, घुटने टेक लेंगे, लेट जाएंगे, कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं। शाहरुख खान और सलमान खान को ही नहीं दिखा देंगे, ये तो बंबई जाए एक्टिंग करे, हमारे मध्य प्रदेश का नाम रोशन होगा। ये शिवराज सिंह की एक्टिंग आज सब समझ रहे हैं।